तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बायोन्ट फोर्स के बारे में। ठीक है, बायोन्ट फोर्स है क्या? हालांकि मैंने बायोन्ट फोर्स का आइडिया आपको दे दिया है, मैंने बोला था क्लास 9th में, मैंने 8th क्लास का कुछ वीडियो डाला था है ना, उसमें मैंने बायोन्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप में था ना, तो बायोन्ट फोर्स मैंने आपको दे दिया था। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा बायोन फोर्स हो सकता है, कोई बच्चा वीडियो ना देखा हो, थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, बड़ा है, नहीं देखा हो, तो थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। ठीक है, तो देखिए बायोन फोर्स कि ये आर्किमिडीज साहब, आर्किमिडीज जो है बताए थे ये बायोन फोर्स के बारे में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट पार्शियली इमर्ज है और यहाँ पर ये बकेट है, पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो जब या तो थोड़ा सा या तो पूरी तरह लिक्विड में डूबा हुआ है, तो लिक्विड जो है फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर लिक्विड फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बायोन्ट फोर्स या फोर्स ऑफ बायोन्सी, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल, है ना। और मैंने समझने के लिए लिखा दिया इसको पानी वाला फोर्स, है ना। गाना वो नहीं जो पानी वाला डांस हुआ ना, गाना नहीं है, मैं बता रहा हूं पानी वाला फोर्स। कहने का मतलब वाटर के द्वारा, ऐसा नहीं है कि वाटर ही लगाएगा, आपका कोई भी लिक्विड जो है आपको फोर्स लगाता है, कोई भी लिक्विड आपका फोर्स लगाता है। ठीक है, यानी सारे के सारे लिक्विड जो है आपका फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट पर। कब? जब वो पार्शियली या तो थोड़ा सा या पूरी तरह डूबा हो लिक्विड में। तो भेन एन ऑब्जेक्ट ये पार्शियली यानी थोड़ा, ये देखिए पार्शियली मर्ज है थोड़ा सा और ये कंप्लीटली मर्ज है इन लिक्विड, देन लिक्विड एग्जैक्ट फोर्स। तो लिक्विड एक फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसी दिस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय लिक्विड कॉल्ड बायोन्ट फोर्स या फोर्स ऑफ बायोन्सी। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बायोन्सी ओनली, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बायोन्सी। अब जरा सा ध्यान दीजिए, आखिर ये फोर्स ऊपर ही क्यों लगाया? देखिए आप किधर फोर्स लगा रहा है, नीचे, तो वाटर किधर लगाएगा? सिंपली बात एक्शन रिएक्शन पढ़े ना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि आप फोर्स लगाइएगा डाउनवर्ड तो वो लगाएगी, तो अर्थ लगाएगी इस पे डाउनवर्ड तो वाटर लगाएगी अपवर्ड। ठीक है, अर्थ लगाएगी डाउनवर्ड तो वाटर लगाएगी अपवर्ड। क्लियर है? अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ऊपर क्यों लगाई फोर्स। अब कुछ और पॉइंट, सिंबल ऑफ बायोन्ट फोर्स इज कैपिटल बी होता है, बायोन्ट फोर्स का सिंबल कैपिटल बी। बायोन्ट फोर्स का आइडिया दिए थे आर्किमिडीज, है ना, आर्किमिडीज जो है आइडिया दिए थे बायोन्ट फोर्स का। ठीक है, आप देखिए क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन अ लिक्विड, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड में डूबा हुआ है तो इट हैज टू डिस्प्लेस सम लिक्विड। सही बात है, जब यही ऑब्जेक्ट है इसको लिक्विड में डुबाए, इसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबाए, तो कुछ वाटर को ये हटा देता है और खुद अपना जगह बना लेता है ना। जैसे कि पहले से मान लेते हैं ये पूरी तरह से डूबा हुआ है ऑब्जेक्ट वाटर से, अब इसमें एक बॉल डालते हैं आप, तो क्या करेगा ना, जितना इसका वॉल्यूम है ना उतना पानी को, ये पूरी तरह से भरा हुआ है तो उतना पानी को बाहर निकाल देगा और खुद अपना जगह ले लेगा। क्लियर है ना। और सेम सिचुएशन एयर में भी होता है। अभी देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी मैं यहाँ पे हूं, अब देखिए यहां से मैं यहाँ आया तो जितना मेरा वॉल्यूम है उतना एयर को मैंने यहां से हटाया और खुद अपना जगह बना लिया, आगे मैं पॉइंट में लिख दिया हूं, है ना। तो देखिए, और अगर मान लेते हैं कि ये आधा है, पहले से आधा लेवल है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है मान लेते हैं 8 मीटर क्यूब। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट डाले 2 मीटर क्यूब का, ऑब्जेक्ट कितना क्या डाले 2 मीटर, तो 2 मीटर क्यूब इसका लेवल बढ़ जाएगा, यह स्टोन चला जाएगा नीचे, यह स्टोन कहाँ जाएगा नीचे, आई 2 मीटर क्यूब लेवल बढ़ जाएगा, 8 से हो जाएगा 10 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें तो पानी बाहर, चूंकि खाली था ये तो पानी बाहर नहीं जाएगा, इसमें अंदर ही रह जाएगा। क्लियर है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट
इमर्ज इन अ लिक्विड, या लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो ये डिस्प्लेस कर देता है कुछ लिक्विड को एंड मेक अ स्पेस, जगह बना लेता है खुद के लिए। अतः आगे पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन अ लिक्विड देन सम लिक्विड इज डिस्प्लेस। सही बात है, अभी मैंने यहां भी बताया कि कुछ लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है एंड जितना लिक्विड हटावेगा वही आपको वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे आधा लिक्विड मान लेते हैं हाफ इमर्ज है तो क्या पूरे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम, जितना डूबा हुआ है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हाफ डूबा हुआ है तो हाफ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ये देखिए पूरी तरह से डूबा हुआ है, इसमें वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ होल ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ होल ऑब्जेक्ट। यहां पर हाफ डूबा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ हाफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, इसमें वॉल्यूम ऑफ होल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो वही मैंने पॉइंट लिखा दिया, जब कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड, जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में डूबा हुआ है, जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में डूबा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, इमर्ज जिसमें हाफ है तो हाफ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब जितना लिक्विड को हटाएगा है ना, जितना वॉल्यूम जितना में डूबा हुआ है उतना ही लिक्विड को हटाएगा, जितना में ये डूबा हुआ उतना ही लिक्विड को। इसमें क्या है, आपको डूबा हुआ है पूरा में, तो जितना इसका वॉल्यूम है पूरे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल ये वाटर को हटाएगा। इसमें आधा डूबा हुआ है तब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाफ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, इसमें पूरा तरह है तो वॉल्यूम ऑफ होल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। क्लियर है, दिस रूल ऑल्सो वर्क्स फॉर सॉलिड इमर्ज्ड इन गैसेस। यही रूल आपको जब सॉलिड इमर्ज्ड इन गैसेस है तो यही रूल काम करता है कि जब ऑब्जेक्ट एयर में होता है तो इट डिस्प्लेसेस एयर एंड मेक अ स्पेस फॉर इटसेल्फ। अभी देखिए अभी हम कहाँ है, एयर में है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, आप जहाँ पर स्टडी क्यों कर रहे हैं वहां पर कुछ नहीं तो एयर है, तो कुछ नहीं तो क्या होती है, एयर होती है। अब जो है आप वहां पर यहाँ पर जैसे कि हम आके खड़े हैं, यहाँ पर आके खड़े हैं, पहले यहाँ पर थे यहाँ से यहाँ गए तो जितना हमारा वॉल्यूम है उतना एयर को मैंने डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और अपना जगह बना लिया। तो वही मैंने लिखा तो एयर में भी ये रूल काम करता है, जब ऑब्जेक्ट एयर में होता है तो एयर डिस्प्लेसेस देन इट डिस्प्लेसेस एयर एंड इट मेक अ स्पेस फॉर इटसेल्फ, अपने के लिए जगह बना लेता है। एयर एग्जर्ट्स फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन है ना, एयर जो है ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में यानी बायोनिक फोर्स की तरह अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब देखिएगा तो आपके पास दो फिगर है, मैंने आपको अभी बताया कि पार्शियली इमर्ज है तो यानी पार्शियली इमर्ज है तो क्या यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हाफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर होगा, इसमें वॉल्यूम ऑफ पूरी तरह इमर्ज है तो वॉल्यूम ऑफ होल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ये सब तो पहले ही बोलते हैं। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैं मेनली रूप से आपको बताया यहाँ पर, देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली मर्ज इन फ्लूड, मैंने अभी बताया लिक्विड के साथ साथ एयर में भी ये प्रिंसिपल काम करता है, लिक्विड के साथ साथ एयर में भी, तो इसमें लिख दिया कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब कोई सॉलिड बॉडी पार्शियली या फिर पूरी तरह डूबा हुआ हो फ्लूड में यानी लिक्विड में या फिर गैस में तो फ्लूड एग्जर्ट्स फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द बॉडी, फ्लूड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसका वैल्यू इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड यानी जितना लिक्विड हटाएगा उतना ही के वेट के इक्वल होगा। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, और ये बताया गया था आर्किमिडीज के सहारे है ना। दिस प्रिंसिपल यहाँ पर लिख सकते हैं इज फाइंडेड बाय, दिस प्रिंसिपल फाइंडेड बाय आर्किमिडीज, इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि ये प्रिंसिपल कौन बताते हैं आर्किमिडीज, दिस प्रिंसिपल ये तो पहले ही बता दिया जी, ये तो लिखा दिया इस पॉइंट में है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल गिवन बाय जो है आर्किमिडीज है ना, बायो फोर्स का आइडिया दिए थे कौन सा आर्किमिडीज, तो दिस प्रिंसिपल लिख देता हूँ बाय गिवन बाय आर्किमिडीज, ठीक है
इसलिए अर्थमेटिक प्रिंसिपल इसको कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये तो समझ गए, हाफ डूबा है तो वॉल्यूम ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पूरी तरह डूबा है तो वॉल्यूम ऑफ होल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या देखा है, हाइपरबोलिक प्रिंसिपल प्रेजेंट, जब कोई सॉलिड बॉडी या पार्शियली या फिर पूरी तरह डूबा हो लिक्विड या गैस में, फ्लूड, फ्लूड मींस लिक्विड गैस, तो फ्लूड एग्जर्ट्स फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द बॉडी जिसका वैल्यू इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जिसका वैल्यू जो है डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होता है, इसी को बोलते हैं हाइपरबोलिक प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए एक चीज बताइए, जब कुआं से आप लोग पानी भरे हैं कभी आप लोग, अगर हो सकता है कुछ अर्बन एरियाज के जो बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं कुआं से पानी नहीं भरे होंगे, बट जो रूरल एरियाज के देहाती क्षेत्र के जो बच्चे होंगे वो आपको बकेट से कुआं से पानी जरूर भरे होंगे। तो आप क्या देखते हैं कि आप सोचिए, आप क्या सोच सकते हैं कि अगर बकेट में पानी भर जाए तो उसको और जो है हमको भारी लगना चाहिए था, बकेट में अगर पानी भर दिया जाए तो वजन उसका ज्यादा लगना चाहिए था कि, बट जैसे ही बकेट जो है भर जाता है और पानी के अंदर और उसको खींचते हैं तो हमें और हल्का महसूस होता है, क्या जब तक वाटर में है तब तक, लेकिन जैसे ही वाटर से वो ऊपर आ जाता है तब भारी लगने लगता है। ऐसे हम एक खाली बाल्टी आपको दें और एक आपका फुल ऑफ वाटर बकेट दें, एक आपका एम्प्टी बकेट एक फुल ऑफ वाटर बकेट, खाली बाल्टी और एक पानी भरा हुआ बाल्टी, तो आप किसमें ज्यादा वजन महसूस होगा, भारी बाल्टी में, भारी बाल्टी आपको जो आपका पानी भरा हुआ बाल्टी में आपको ज्यादा वजन महसूस होगा। लेकिन जैसे ही कुआं के अंदर से कुआं से आप पानी भरते हैं तो बकेट पानी के अंदर जाता है तो पानी से भर गया वो तो उसका वजन बढ़ जाना चाहिए, जबकि ऊपर खींचते हैं तो उसका वजन और हल्का लगने लगता है, कंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन जैसे ही पानी के बाहर आता है तो वजन अनकंफर्टेबल महसूस होता है, भारी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बायोंट फोर्स अपवर्ड में फोर्स लगाया, बायोंट फोर्स किसे लगाया, अपवर्ड में, या फिर आप लोग बकेट वगैरह से पानी निकालो ना, ग्लास से पानी निकालो बकेट से, तो जैसे ही बकेट के अंदर जाता है तो उसका वजन उसका भारी लगने के बजाय वो और कंफर्टेबल लगता है। हाथ को पानी के अंदर ले जाओ तो हाथ लगेगा फ्री हो जाएगा, अभी जितना जैसे हाथ हुआ है तो हाथ को अगर पानी के अंदर ले जाओगे तो हाथ लगता है फ्री हो गया, लगता है हाथ में फोर्स ही नहीं है, है ना, ऐसा महसूस किए होंगे आप लोग ड्यूरिंग बाथिंग। नहाने के समय आप क्या करते हो, बकेट से जग से पानी निकालते हो, है ना, या फिर ग्लास से पानी पीने के लिए निकालते हो, नहाने के समय नहीं पानी पीने के लिए निकालते हैं, मतलब कभी पानी पीने के लिए निकालते हैं ना, तो अब जैसे ही अंदर जाता है तो और भारी लगने के बजाय, क्यों, कभी सोचा है, क्योंकि हमको अर्थ ये पर यहाँ पर याद करें, यहाँ पर वाटर जो है फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, हम भी सोच रहे हैं कि बाल्टी को ऊपर ले आवे तो ये हमारा फोर्स हुआ। मान लेते हैं कुछ भी ऑब्जेक्ट हो या बाल्टी हो कुछ भी हो तो वाटर तो ऊपर फोर्स लगाया, क्यों लगाया ऊपर फोर्स, क्योंकि अर्थ लगा रहा है नीचे तो वाटर लगाएगा, अगर वाटर भी नीचे लगा दे और अर्थ भी नीचे तो पानी जो है ना धरती के अंदर चला जाएगा, जो कुआं में पानी है वो अंदर चला जाएगा, अर्थ भी लगाए नीचे और वाटर भी नीचे तो पानी अंदर चला जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये वाटर जो है फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, बी मीन्स अपवर्ड फोर्स लगा रहा है बायोंट फोर्स, ये हमारा फोर्स, तो दोनों यहाँ पर सपोर्ट ना हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सपोर्ट मिल गया, दो दो फोर्स हो गया तो सपोर्ट मिल गया, तो इसलिए हमें हल्का महसूस होता है, क्या होता है, हल्का महसूस होता है, ठीक है, क्लियर है। 50 केजी का बोरा अगर आपको अकेले उठाने के लिए कहे तो लगता है बहुत भारी है, लेकिन जैसे ही 4-5 लोग मिलकर या 2-3 मिलकर उठाते हैं तो लगता है हल्का हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपके सपोर्ट में जो है कुछ फोर्स बढ़ गया, 2-3 फोर्स, और पहले आप अकेले फोर्स लगा रहे थे उसको उठा रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये रखा हुआ है मान लेते हैं ये बोरा अभी हम अकेले रखे हुए, अब इसको एक और फोर्स लगा दें तो लगता है ये वजन ये हल्का हो जाता है, क्यों, क्योंकि पहले केवल यही फोर्स यही उठा रहा था इसको, अब जो है दो मिलके उठा रहा है तो लगेगा हल्का हो गया, क्या लगता है, हल्का हो गया, 50 केजी का बोरा है आप उठा रहे हैं अकेले तो लगेगा भारी है, लेकिन 2-3 आदमी और आपके सपोर्ट में आ जाए आप ही के डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो हल्का हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो है फोर्स जो है एक से ज्यादा हो गया, फोर्स एक से
क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है ये पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्ज्ड इन लिक्विड देन वी फील लाइटर स्ट्रेन, मतलब हल्का दर्द महसूस होता है, स्ट्रेन मींस दर्द, या कंफर्टेबल महसूस करते हैं ड्यू टू बायोट फोर्स एग्जर्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन इफ ऑब्जेक्ट इज पुशेस अपवर्ड। जब ऑब्जेक्ट को कहां पुशेस करते हैं, हम भी अपवर्ड में पुश कर रहे हैं, बायोट फोर्स भी, तो सपोर्ट हो गया है ना। अब आप क्या करिएगा, आप बायोट फोर्स तो ऊपर लग रहा है लेकिन आप दबाइएगा नीचे, तब तो भारी लगेगा ना, क्योंकि बायोट फोर्स कहां लग रहा है, इस पर ऊपर लग रहा है, हम फोर्स लगाएंगे नीचे माई फोर्स, तब तो आपको जो है अनकंफर्टेबल महसूस होगा क्योंकि आप पोज में है, आप बायोट फोर्स लग रहा है ऊपर, आप लगा रहे हैं नीचे, बायोट फोर्स ऊपर और आप लगा रहे हैं नीचे, तब तो आप पोज में हो गया, तब आपको वजन यहाँ पर ज्यादा, जैसे एगो एगो क्या कर रहा है कि आप जो है बोरा को ऊपर उठा रहे हैं, वो नीचे दबा रहा है, तब तो आपको भारी लगेगा। तो एक ही डायरेक्शन में लगेगा दो फोर्स, तब हमें हल्का महसूस होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगे तब हमें अनकंफर्टेबल, थोड़ा भारी महसूस होता है। एक बार फिर से रिपीट, 50 केजी का बोरा है, आप अकेले उठा रहे हैं, तब तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन आप ही के डायरेक्शन में, आप ही के सपोर्ट में दूसरा कोई आ जाए, तब वो हल्का लगता है, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, वो नीचे दबा रहा है, आप उठाना चाह रहे हो ऊपर, वो कह रहा है नीचे दबा रहा है, तब तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तब आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में लगे तो आप भी ऊपर खींचना चाह रहे हैं बाल्टी को, है ना, आप भी ऊपर खींचना चाह रहे हैं बाल्टी को, या आप बाल्टी में तो कुछ भी हो, आप भी ऊपर खींचना चाह रहे हैं और बायोट फोर्स तो ऊपर लग ही रहा है, तो आपको कंफर्टेबल महसूस होगा, लेकिन आप खींचना, जैसे कि ग्लास ले लीजिए, ग्लास में पानी भर लीजिए, या ग्लास को आप क्या कीजिए, नीचे दबाइए, ग्लास को, ग्लास से आप पानी भर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाल्टी से, आप ग्लास को नीचे दबाइए आप बायोट फोर्स, तब आप अनकंफर्टेबल महसूस करिएगा, फील किए होंगे आप लोग ऐसा, अगर नहीं किए तो जस्ट अभी आप एक्टिविटी करो, अगर ऐसा फील नहीं किए हो आप तो जस्ट अभी आप एक्टिविटी करो, ग्लास को अंदर ले जाओ, ग्लास को अंदर ले जाओ, तब वो जो है आप ले जा रहे हैं अंदर, यानी डाउनवर्ड फोर्स, अब वाटर लगा रहे हैं अपवर्ड, तब तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तब आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो, तो वही मैंने लिखा दिया कि कंप्लीटली मर्ज तो हम लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं ड्यू टू बायोट फोर्स एग्जर्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब ऑब्जेक्ट को पुशेस अपवर्ड है, डाउनवर्ड पुश करेंगे तब तो, है ना। चलिए अब मैं इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, है ना, एक एक्टिविटी मैं दे रहा हूँ, उस एक्टिविटी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ ये बायोट फोर्स। तो देखिए अब मैं एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको मैं बायोट फोर्स के बारे में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखिए क्या कहता है, एक्टिविटी वन और टू दो ठो है, है ना, एक में क्या देख रहे हैं आप कि एक बॉटल है, एक बॉटल का आपका ढक्कन लगा हुआ है, तो आप जितना नीचे ले जाइएगा, चलिए पहले पढ़ ही लेते हैं क्या समझा, पढ़ ही के समझा देते हैं, फील वन लीटर प्लास्टिक बोटल, फील अ वन लीटर ऑफ प्लास्टिक बोटल विद वाटर एंड स्क्रू ऑन इट्स कैप, और इसको कैप को स्क्रू कर दीजिए, मतलब कैप को जो है कवर कर दीजिए, ठीक है, कैप को जो है मतलब कैप लगा दीजिए उसमें ताकि पानी ना गिरे, फील वन लीटर ऑफ अ प्लास्टिक बोटल, बिस्लेरी का या रेल नहीं बहरा वाला पानी मिलता है ना, तो वन लीटर ऑफ प्लास्टिक बोटल लीजिए, ठीक है, एक पानी भरा हुआ विद वाटर एंड स्क्रू इट ऑन इट्स कैप, मतलब इसके कैप को जो है स्क्रू कर दीजिए, कस दीजिए, यानी कैप खुला नहीं रहे, यानी सील बोटल, ठीक है, होल्ड द बॉटल बाय द कैप, अब बॉटल को बॉटल बाय द बॉटल जो होल्ड रहेगा कैप से, कैप मींस ऊपर वाला कवर, बॉटल होल्ड बाय कैप, बॉटल को आप कैप के सहारे, देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा है ना जी आप लोगों को, फिगर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, एक हाथ से देखिए ढक्कन के सहारे पकड़े हुए है ना बॉटल, हाथ से ढक्कन के सहारे बॉटल पकड़े हुए हैं, ठीक है, द स्ट्रेन, हाँ तब सम स्ट्रेन, तो आप यू विल फील सम स्ट्रेन इन योर फिंगर, आप जो है तो आप फिंगर पर थोड़ा सा स्ट्रेन महसूस करते हैं, स्ट्रेन मीन्स दर्द, है ना, यानी अनकंफर्टेबल हल्का महसूस, इफ यू हैव अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स टू होल्ड द बॉटल एट रेस्ट, अब आप अपवर्ड फोर्स लगाइए एट रेस्ट, रेस्ट में रख के, रेस्ट मतलब
रेस्ट में यानी रिजल्टेंट फोर्स जीरो, यानी जितना ऊपर लगाएगा उतना ही नीचे लगाएगा, यानी आपका फोर्स इज इक्वल टू बायोट फोर्स, आप ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और बायोट फोर्स नीचे, तो रेस्ट में है तो दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है। और ध्यान से आप लैंग्वेज देखिएगा, जो मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, वहां पर नजर डालिए। क्या कि आपने एक लीटर प्लास्टिक का एक लीटर वाला बोतल लिया, पानी भरा हुआ, उसको कस दिए और आप पकड़े हैं, हाथों से पकड़े हुए हैं कैप को, है ना, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेन महसूस कर रहे हैं, दर्द है ना। इफ यू अप्लाई अपवर्ड फोर्स, जब उसको पकड़ने के लिए अपवर्ड फोर्स, रेस्ट में रखते हुए, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से इक्वल, यानी बैलेंस करेगा, जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे फोर्स लग रहा है। नाउ डीप द बॉटल इन बकेट, बॉटल को बकेट में रखिए, वाटर, अच्छा इस बॉटल को पानी भरा हुआ बकेट यानी बाल्टी में रखिए। देखिए फिगर, एक बाल्टी है, ऊपर में है जो बॉटल है, हाथ से पकड़े हुए बॉटल को, और यहाँ पर एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है। पुटिंग अबाउट हाफ द बॉटल इन साइड द वाटर, अब जो है बॉटल को आधा पानी के अंदर ले जाइए। फिगर 3.25A, फिगर 3.25A में दिखाया गया है, द स्ट्रेन ऑन योर फिंगर्स विल नाउ लेस, हाँ अब थोड़ा दर्द कम महसूस होगा। ऐसे आप बॉटल को पकड़िए पानी के बाहर और पानी के अंदर ले जाइए, तब थोड़ा कम स्ट्रेन होगा। ऐसे बॉटल को आप, एक लीटर बॉटल आपके पास है, ऐसे आप कैप लेकर पकड़िए तो थोड़ा स्ट्रेन महसूस करिएगा। अब उसको पानी में डाल दीजिए, बकेट भरा हुआ, बकेट में पानी है उसमें डाल दीजिए तो थोड़ा कम स्ट्रेन महसूस होगा। दिस मीन्स यू आर अप्लाई लेसर अपवर्ड फोर्स, इसका मतलब हुआ आपने कम फोर्स लगाया टू होल्ड बॉटल एट रेस्ट, बॉटल को पर रेस्ट में रखने के लिए आपने कम फोर्स लगाया, क्योंकि हमारे सपोर्ट में खड़ा हो गया कौन फोर्स, बायोट फोर्स, ठीक है, तो ही अप्लाई लेसर फोर्स, क्योंकि हमारे सपोर्ट में बायोट फोर्स खड़ा हो गया। दिस इज बिकॉज वाटर एग्जर्ट एंड अपवर्ड फोर्स ऑन बॉटल, अभी बताया वाटर जो है फोर्स लगाया अपवर्ड में, दिस रिड्यूसेज योर बर्डन, मतलब बोझ, जो आपके बोझ को कम कर देता है, बोझ को आप ग्रेजुअली इमर्ज मोर ऑफ बॉटल इन साइड द वाटर, आप थोड़ा और ज्यादा अंदर ले जाइए बॉटल को, ग्रेजुअली इमर्ज मोर द बॉटल इन साइड द वाटर, अब और ज्यादा अंदर ले जाइए। एज यू डू सो, जैसे ही आप ऐसा करते हैं, द स्ट्रेन ऑन योर फिंगर्स रिड्यूस फर्दर, और कम जाएगा, मतलब जितना अंदर ले जाइएगा उतना आपको हल्का महसूस होगा, क्योंकि जितना अंदर ले जाइएगा उतना ही बायोट फोर्स बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे बाल्टी, आधा बाल्टी अगर पानी भरा हुआ है, कुआं से पानी भर रहे हैं, आधा बाल्टी है, आधा बाल्टी भरे तो थोड़ा हल्का कंफर्टेबल हुआ, पूरा भर जाएगा तो और कंफर्टेबल महसूस होगा। पानी के अंदर ध्यान रहे पानी के, लेकिन पानी के बाहर निकालिएगा तो ये एक्टिविटी कहां किया जा रहा है, वाटर के, तो और ज्यादा जो है क्या किया, नीचे ले गया तो और जो है स्ट्रेन कम गया। दिस मीन्स अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाई वाटर इंक्रीजेड, इसका मतलब वाटर एग्जर्टेड बाई फोर्स, वाटर के द्वारा लगाया गया फोर्स आपका बढ़ गया, बोटल गेट्स इन टू वाटर, सो वेन द बॉटल इज कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर यू हैव टू अप्लाई वेरी स्मॉल फोर्स, यानी वाटर पूरी तरह से पानी में डूब जाए तो और कम फोर्स लगाएगा, आधा लगाए, आधा का डूबा हुआ है तो थोड़ा ज्यादा फोर्स, जितना मतलब अंदर जाएगा, एज एंड एज ऑब्जेक्ट गोज इन साइड इन लिक्विड देन बायोट फोर्स इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज, ठीक है, एज एंड एज वाटर, यहां पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूं सबसे नीचे में, एज एंड एज ऑब्जेक्ट गोज इनसाइड द लिक्विड, जैसे जैसे लिक्विड के अंदर जाएगा है ना, देन बायोट फोर्स यानी फोर्स एग्जर्टेड बाय लिक्विड इन अपवर्ड, फोर्स एग्जर्टेड बाय लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, एज एंड एज ऑब्जेक्ट गोज इनसाइड द लिक्विड देन बायोट फोर्स इनक्रीजेज कंटिन्यूअसली, है ना, जैसे जैसे नीचे जाएगा, जितना अंदर जाएगा लिक्विड में, बायोट फोर्स आपका उतना ही बढ़ता जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए सेकंड नंबर, तो आप समझ गए कि
वेन बॉटल कंप्लीटली मर्ज तो यू हैव अप्लाइड वेरियस मॉलिक्यूल्स। अब सेकंड क्या किया है, वही चीज है लेकिन इसमें एक स्टोन ले लिया है और स्टोन को किसी से लटका दिया गया है ना, रूफ वगैरह से लटका दिया गया है, तो वही एक्टिविटी है। सेकंड क्या किए, टेक अ थिक लॉन्ग रबर बैंड, अच्छा रबर बैंड ले लिया गया, एंड कट इट सो डैट यू हैव टू फ्री एंड्स, ऐसा कट किए कि ताकि दो फ्री एंड हो जाए, टाई वन स्टोन एट वन एंड, एक स्टोन को मतलब एक वो मोटा सा रबर बैंड ले लिए है ना, मोटा सा रबर बैंड ले उसको काट दिए, ऐसा काटे कि दो फ्री एंड हो है ना, दो फ्री एंड हो, रबर चूंकि देखिए रबर तो गोल होता है तो उसको काटिए रखता हूँ ना दो फ्री एंड होगा, रबर जो देखे ना जी है ना, मिठाई का डब्बा पैकिंग करने के लिए रबर यूज करता है तो गोल होता है, तो उसको कट कर दिया गया है ठीक है, ताकि दो फ्री एंड हो जाए, टाई वन स्टोन एट वन एंड, एक एंड पर एक स्टोन बांध दीजिए, एंड अदर एंड टू फिक्स्ड सपोर्ट, फिगर 3.2b देखिए, फिगर 3.2b में दूसरा एंड को सपोर्ट से जो है फिक्स किया गया है, दूसरा एंड को सपोर्ट से, सपोर्ट मतलब रूफ से लटका दिया, किसी चीज से लटका दीजिए, आप खुद से पकड़ लीजिए, द रबर बैंड विल गेट स्ट्रेच, तो रबर बैंड सही बात है, रबर तो स्ट्रेच होगा फैलेगा, जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उस पर नजर देखिएगा, बिकॉज ऑफ दिस इट विल पुल द स्टोन अपवर्ड, क्योंकि स्टोन को कहां खींचना चाहेगा अपवर्ड है ना, दिस पुल बैलेंस वेट ऑफ स्टोन, यह बैलेंस कर देता है, बैलेंस मतलब रिजल्टेंट फॉर जीरो, जितना ऊपर उतना ही तब तक रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में है इसका मतलब हुआ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स है ना। अब नाउ व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू मर्ज हैंगिंग स्टोन इन वाटर, तो और ज्यादा कम महसूस होगा फोर्स है ना, अब कहता है वाटर में इसको हैंगिंग करा दे तो क्या होगा, तो टू चेक वेदर आंसर योर आंसर इज करेक्ट, प्लेस अ जग ऑफ वाटर बिलो द स्टोन सो डेट स्टोन गेट्स इमर्ज, आप इसको एक जग लीजिए, पानी भरा हुआ जग लीजिए है ना, उसको में आप इमर्ज कराइए, डुबाइए, यू विल फाइंड दैट द रबर बैंड नाउ स्ट्रेच अ स्मॉलर अमाउंट, तो रबर बैंड जो है थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, रबर बैंड क्योंकि आप तो ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, बायोट फोर्स तो है सपोर्ट है, तो आप पाते हैं कि रबर बैंड स्ट्रेच अ स्मॉलर अमाउंट, व्हाई, बिकॉज वाटर एग्जर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द स्टोन, वाटर लगा रहा अपवर्ड फोर्स, वाटर कहां लगा रहा है अपवर्ड फोर्स ठीक है, वाटर जो है अपवर्ड फोर्स लगा रहा है तो इसको ज्यादा जो है स्ट्रेच होने नहीं देता है, पानी में गया, पानी में जाएगा तो वाटर तो ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो चाहता है स्टोन के नीचे जाए लेकिन पानी उसको ऊपर ठेल देता है, नीचे आने नहीं देता है, तो कम स्ट्रेच होता है, वो चाह रहा है स्टोन कि हम पानी के अंदर जाए लेकिन वाटर जो है फोर्स कहां लगा रहा है, ऊपर क्यों लगा रहा है, तो ऊपर क्यों लगा रहा है जिससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है ठीक है। सो अपवर्ड फोर्स नीडेड बैलेंस द वेट ऑफ अ स्टोन, तो अपवर्ड फोर्स बैलेंस करता है यानी रिजल्टेंट फोर्स जीरो, रिड्यूसेस अपवर्ड फोर्स रिड्यूसेस भी हो जाता है कब, जब पानी के अंदर जाएगा, हेंस द बैंड हैज एग्जर्ट अ स्मॉलर अपवर्ड फोर्स है ना, तो बैंड जो है स्मॉलर अपवर्ड फोर्स लगाता है, देयरफॉर इट इज स्ट्रेच अ स्मॉलर अमाउंट, तो यह कम फैलेगा कब, जब पानी के अंदर जाएगा, चाह रहा है स्टोन के नीचे जाए लेकिन उसको जाने नहीं देता ठीक है। तो बस वही बायोट फोर्स का यानी कहने का मतलब, पानी में आप जितना नीचे जाइएगा, लिक्विड में आप जितना नीचे जाइएगा उतना ही कंफर्टेबल महसूस होगा ठीक है, उतना ही कम फोर्स लगेगा, उतना ही कम फोर्स लगेगा, वो लिक्विड प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे आपका लिक्विड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैं तो वो लिक्विड प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फोर्स एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, एज एंड एज ऑब्जेक्ट गोज इनसाइड लिक्विड प्रेशर इंक्रीज, लेकिन ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड में जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, आप देखते होंगे स्विमिंग के समय थोड़ा सा बॉडी फ्री हो जाता है ना, आप देखे भी होंगे स्विमिंग के समय बॉडी फ्री हो जाता है, क्यों, क्योंकि वाटर कहां फोर्स लगाती है ऊपर है ना, स्विमिंग के समय आप जो है थोड़ा सा क्या देखते हैं, स्विमिंग के समय कंफर्टेबल हो जाता, हल्का हो जाता बॉडी, क्योंकि वाटर लगा रही फोर्स अपवर्ड। और एक चीज और थोड़ा गौर कीजिए, अगर आप पानी में स्विमिंग कर रहे हैं ठीक है, आप अंदर की ओर जाना चाहे, आप कोई डूब रहा है, एक्शन रिएक्शन आप पढ़े, कोई डूब रहा है, इसकी चर्चा तो पहले भी कर लिए थे, डूब रहा है कोई, तो डूब रहा है तो का और ऊपर फोर्स लगाएगा,
नीचे हाथ को नीचे मारिए तो पानी कहां फोर्स लगा देगा, हाथ को नीचे मारिए तो पानी तो आपको डूबने नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे अबाउट हाउ फॉर्मुलेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रिंसिपल को वो कैसे फॉर्मुलेट किए। कौन साहब? आर्किमिडीज साहब। आर्किमिडीज साहब को आर्किमिडीज प्रिंसिपल का आइडिया कैसे आया, है ना? आर्किमिडीज को आर्किमिडीज प्रिंसिपल का आइडिया आखिर कैसे आया, तो वह स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टोरी अबाउट हाउ फॉर्मुलेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो क्या है ना कि एक समय में एक राजा जो है हीरोन्स, राजा का नाम था हीरो टू, उसको एक मुकुट दिया, ताज समझते हैं ना, मुकुट राजा का, राजा वाला मुकुट दिया चेक करने के लिए कि वो प्योर गोल्ड का बना हुआ है कि नहीं, प्योर गोल्ड का बना हुआ है या किसी दूसरे चीज का मिलावट है। तो उन्होंने क्या किया, आर्किमिडीज साहब ने बाथ टब, जो नहाने वाला टब होता है, उसमें जो है आपको डाला। ठीक है, तो आप एक चीज बताइए हमको, 5 केजी का लकड़ी है और 5 केजी का आयरन है, बटखारा जो आप लोग चावल गेहूं तौलने के लिए यूज करते हैं, 5 केजी का क्या है, बटखारा है, 5 केजी का लकड़ी है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है ना, दोनों का मास सेम है, लेकिन क्या देखिएगा आप, फोर्स दो आपका जो बायोन्ट फोर्स दोनों पर अलग अलग होगा। बायोन्ट फोर्स ज्यादा लगेगा वुड पर, तब जो है वुड फ्लोट हो जाता है, लेकिन बायोन्ट फोर्स कम जाएगा किस पर, आयरन पर, इसलिए वो डूब जाता है ना। 5 केजी का लकड़ी है और 5 केजी का बटखारा है, दोनों का वजन सेम है, दोनों का वजन तो, लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं है। 5 केजी लकड़ी लीजिएगा, 5 केजी की लकड़ी का बोटा लीजिए, 5 केजी बटखारा लीजिए, दोनों का मास सेम है लेकिन वॉल्यूम सेम नहीं है। वॉल्यूम सेम, एक कम डिस्प्लेस्ड करेगा वाटर को और एक ज्यादा डिस्प्लेस्ड करेगा वाटर को। ठीक है, क्लियर है ना, तो दोनों जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड करेगा। 5 केजी का लकड़ी, 5 केजी का लोहा, दोनों जो है डिस्प्लेस्ड करेगा डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। तो उन्होंने ये क्या किया कि बाथ टब में डाला, तो बाथ टब में डाला, एक अगर प्योर गोल्ड रहेगा तो वो जितना डिस्प्लेस्ड करेगा वाटर, एक रहेगा इम्प्योर गोल्ड, इम्प्योर गोल्ड मतलब गोल्ड में कुछ मिलावट है, थोड़ा सिल्वर या फिर कॉपर मिला दिया गया है। तो बताइए दोनों का वजन, मान लेते दोनों एक ही ताज है, वजन भी सेम है, उन्होंने राजा जो है उसको दिया आर्किमिडीज को चेक करने के लिए कि प्योर गोल्ड का बना हुआ है कि नहीं है, है ना, प्योर गोल्ड का बना हुआ है कि नहीं है। तो उन्होंने आपका क्या किया कि बाथ टब में उसको डाला और उसी मास का एक उसी सेम वजन का दूसरा क्राउन भी लिया था, क्राउन मीन्स होता है मुकुट, ताज। तो क्या देखा उन्होंने कि जो प्योर गोल्ड का बना हुआ था, है ना, और एक इम्प्योर गोल्ड था, तो प्योर गोल्ड वाला जितना वाटर डिस्प्लेस किया उससे डिफरेंट वाटर डिस्प्लेस किया इम्प्योर वाला, दोनों सेम वाटर को डिस्प्लेस नहीं किया। तो उसी से आर्किमिडीज प्रिंसिपल का आइडिया आ गया उनको कि अगर एक ही पास है लेकिन आपका वॉल्यूम अलग अलग है तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। अब लिक्विड कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वाटर, तो केवल वाटर हम लोग जनरली यूज करते हैं इसलिए वाटर के आधार पर एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एक उतना ही सेम वजन है, सेम वजन है, प्योर गोल्ड वाला रहेगा, इम्प्योर गोल्ड रहेगा, तब सेम वजन है लेकिन दोनों डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो वही देखिए मैं स्टोरी पढ़ने जा रहा हूं जो कि आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। देयर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ आर्किमिडीज हैपेंड टू फॉर्मुलेट दिस प्रिंसिपल, आर्किमिडीज कैसे प्रिंसिपल और जो है फॉर्मुलेट किए। ही वाज वंस आस्क्ड बाय किंग हीरो टू, हीरो टू जो है दिए उन्होंने, वो एक बार गए थे आपको किंग हीरोज के पास टू डिटरमाइन वेदर हिज क्राउन वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड और अलॉयड विद सिल्वर और सम अदर लाइटर मेटल, उनका मुकुट जो है प्योर गोल्ड का बना हुआ है या अलॉय, अलॉय मतलब मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स, या तो उसमें सिल्वर थोड़ा मिला हुआ है या कुछ अदर लाइटर मेटल मिला हुआ है। दिस मेथड फॉर डूइंग ऑकर्ड टू हिम व्हाइल ही वाज टेकिंग अ बाथ, यह मेथड उन्होंने कब किया, जब वो नहा रहे थे,
दिस मेथड इज डूइंग ऑकर्ड टू हिम व्हाइल टेकिंग अ बाथ, जब वो स्नान कर रहे थे उन्होंने, तो ही नोटिस्ड दैट, उन्होंने नोटिस किया कि डिस्प्लेस्ड अ वॉल्यूम ऑफ वाटर, डिस्प्लेस्ड अ वॉल्यूम ऑफ व्हाइल लाइंग इन बाथटब, जब मुकुट को पानी में डाले तो वो डिस्प्लेस करता है वाटर को, यानी पानी को हटा देता है, जो कि अभी आप लोग सब लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया भी। तो ये उस समय का है, किस समय के बारे में बताया जा रहा है, जब ये आर्कमिनिज जो ये प्रिंसिपल, आर्कमिनिज को ये प्रिंसिपल का आइडिया आ रहा था कि राजा के पास गए, उन्होंने चेक कर रहे हो कि आपका प्योर गोल्ड का बना हुआ उनका मुकुट है या नहीं, उसके लिए क्या हीरो, हाँ राजा का नाम था किंग हीरो टू, है ना, किंग हीरो टू। तो उन्होंने चेक करने के लिए क्या किया, बाथ टब में डाल दिया, तो क्या देखा कि पानी डिस्प्लेस, वाटर डिस्प्लेस हो गया। ही नोटिस दैट डिस्प्लेस अ वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हाइल टेकिंग अ बाथ टब, तो बाथ टब में जब डिस्प्लेस हो गया वाटर, इट ऑकर्ड टू हिम दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम वेट, उन्होंने देखा क्या कि सेम वेट का, सेम वजन का ऑब्जेक्ट है बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल वुड डिस्प्लेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, कह रहा है कि ईट ऑकर्ड, उन्होंने देखा टू हिम ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम वेट, मतलब वजन, सेम वजन का, एक ही वजन का ऑब्जेक्ट है बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, तो डिस्प्लेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने अभी बताया 5 kg का लकड़ी और 5 kg का लोहा है, वजन सेम है, वजन सेम है, लेकिन तो लेकिन दोनों डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, लकड़ी ज्यादा डिस्प्लेस करेगा और आयरन कम डिस्प्लेस करेगा, लकड़ी ज्यादा पानी को हटाएगा और आयरन कम पानी को हटाएगा, क्योंकि लकड़ी का वॉल्यूम ज्यादा है और आयरन का कम है, तो मैंने अभी बताया जितना इमर्ज होगा उतना ही वॉल्यूम को, उतना ही वाटर को वो हटाएगा। तो ही कहा कि ऑकर्ड हिम ऑब्जेक्ट ऑफ सेम वेट, एक ही सेम वजन का है, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल डिस्प्लेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, दस फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर वन कुड टेल वेदर द क्राउन वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड और नॉट, है ना, तो इस वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर में बता सके कि क्राउन जो है प्योर गोल्ड का बना हुआ है या नहीं, है ना, कह रहा दस फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर के वॉल्यूम से वन कुड टेल, वो बता सके हैं, भेदर, भेदर माने हाथों या ना तो, भेदर है मतलब हाथों या ना तो, क्राउन वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड और नॉट, क्राउन जो है मुकुट, क्राउन मीन्स मुकुट, ताज, क्राउन CROWN, क्राउन मीन्स मुकुट या ताज, बना हुआ प्योर गोल्ड का या और नॉट, नहीं, बाई कंपेयरिंग इट वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको कंपेयर करने के लिए किससे, वॉल्यूम ऑफ वाटर से कंपेयर किए, डिस्प्लेस्ड बाई सेम वेट ऑफ गोल्ड, उतना ही गोल्ड का वजन, उतना ही दूसरे चीज का गोल्ड का वजन लेकर, ठीक है, तो कंपेयरिंग किससे किए, विद वॉल्यूम ऑफ वाटर, कंपेयरिंग किससे किए, वॉल्यूम ऑफ वाटर से, डिस्प्लेस्ड बाई द सेम वेट ऑफ गोल्ड, उतना ही वजन का दूसरा मुकुट लेकर। इट इज सेड दैट आर्कमिडीज गॉट एक्साइटेड, तो आर्कमिडीज साहब एक्साइटेड हो गए, इसमें खुश हो गए, एक्साइटेड मीन्स खुश होना, अपॉन गेटिंग दिस आइडिया, इस आइडिया पर, दैट ही रैन आउट विदाउट पुटिंग हिज क्लॉथ, मतलब बिना कपड़ा पहने हुए दौड़ गए, है ना, इतना खुश हो गए, इतना एक्साइटेड हो गए, है ना, इट इज देखे बड़ा इंटरेस्टेड फैक्ट है, इट इज सेड दैट आर्कमिडीज गॉट सो एक्साइटेड, आर्कमिडीज साहब जो एक्साइटेड हो गए, है ना, मतलब बहुत खुश हो गए, अपॉन गेटिंग दिस आइडिया, इस आइडिया को पाकर, दैट ही रैन आउट विदाउट पुटिंग हिज क्लॉथेज ऑन, मतलब बिना कपड़ा पहने हुए दौड़ गए, शाउटिंग, है ना, यूरेका 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 यूरेका, मतलब वो लैंग्वेज है उस हीरो उस समय जो है, ये लैंग्वेज यूरेका यूरेका, मतलब आई हैव गॉट इट, मैंने इसे पा लिया, मैंने इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है, मतलब इतना एक्साइटेड हो गया इस आइडिया को पाकर, किस आइडिया को, ये आपका डिस्प्लेस वाटर के बेसिस पे, प्योर गोल्ड रहेगा तो डिफरेंट डिफरेंट प्योर गोल्ड और इम्प्योर गोल्ड रहेगा उतना ही मास का, तो डिफरेंट डिफरेंट वाटर को डिस्प्लेस करेगा, है ना, ऐसा नहीं कि प्योर गोल्ड है 1 kg का और इम्प्योर गोल्ड है 1 kg का, तो दोनों सेम अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, नहीं, ठीक है, अगर लाइटर बॉडी का बना हुआ है, लाइटर मटेरियल का, वो ज्यादा डिस्प्लेस करेगा वाटर को, प्योर गोल्ड का रहेगा तो कम डिस्प्लेस करेगा, और उसमें कुछ लाइटर मटेरियल मिला दिया गया है, अगर प्योर गोल्ड का रहेगा तो ज्यादा वाटर को कम वाटर को डिस्प्लेस करेगा, और उसमें कुछ लाइटर हल्का मेटल मिला दिया जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, कुछ हल्का मेटल मिलाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो इतना एक्साइटेड हो गया बिना कपड़ा पहने हुए दौड़ गया, बोले
यूरेका 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 मतलब मीनिंग लिख दिया आई हैव गॉट इट, मैंने इसे पा लिया यानी मैंने इसे सॉल्व कर दिया। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पॉज करते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा।